अभी हम सेंटर में एक चर्च के पास आए हैं। ये प्राइवेट प्लेस है, खुद के घर का बोट वगैरह पार्क करने के लिए स्पॉट। तो यहाँ से बोट रेंट करने का है। तो स्वागत है आप लोगों को लुबन में, जो कि स्प्री वर्ल्ड का एक पार्ट है एंड ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है ब्रांडनबर्ग स्टेट के अंदर। स्प्री वर्ल्ड व्हिच मीन्स स्प्री फॉरेस्ट। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं अभी जो जगह में घूम रहा हूँ इसका नाम है लुबन, लुबन स्प्री वर्ल्ड। तो एक जगह है लुबन और स्प्री वर्ल्ड, एक स्टॉप बाद है लुबन स्प्री वर्ल्ड। तो दोनों कनेक्टेड है, अलग है, क्या है क्या नहीं है, सब आज के ब्लॉग में डिस्कवर करते हैं। ऐसे रैंडमली चल रहे हैं तो कुछ मैप वगैरह नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही डिस्कवर करेंगे। अपने को अच्छा लगेगा, आप लोग भी ब्लॉग में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ये एंट्री करती एक मेमोरियल टाइप का है, तो अभी वॉक करते करते मैं ओल्ड स्टार्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो उसके रास्ते में ये मेमोरियल था। अब इस टाइप का जंगल है पूरा वॉक करने के लिए, लोग बहुत लोग साइकिल लेके यहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं वॉक कर रहा हूँ। तो देखते हैं वॉक करते करते कहाँ तक जाती है, लेकिन गर्मी के लिए अच्छा जगह है क्योंकि वो अंदर ठंड है। ठंड मतलब ठीक ठाक वे टेम्परेचर है, बाहर से एटलीस्ट 5-6 डिग्री तो कम रहेगा, तो वॉक करने के लिए अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे पूरे बिल्डिंग में ऐसे वायर के ऊपर छोड़ रहे हैं और नीचे यहाँ से लगा के ग्रीनरी मेंटेन करने का एक नया उपाय। अभी हम सेंटर में एक चर्च के पास आए हैं। क्या सुंदर है, देखो फ्लावर्स है चारों ओर। और ये प्राइवेट प्लेस है, खुद के घर का बोट वगैरह पार्क करने के लिए प्राइवेट प्लेस है। आई गेस ये घर का शायद आगे है तो उनका ही पार्किंग प्लेस था। स्लॉस इंजल लुबन मतलब स्लॉस आइलैंड है। हैपन मीन्स बोट, जहाँ पे बोट अटकता है उसको हैपन बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे प्राइस ऐसा है, तो यहाँ से बोट पकड़ के जा सकते हैं इसके अंदर। मिनी गोल्फ।
अभी मैं यहाँ पे वनर के ऊपर हो गया बैठा हूँ। इतना सही लग रहा है जगह, मतलब जाने को मन ही नहीं कर रहा है। पूरा नेचर के बीच है, लोग यहाँ पे आराम से काइकिंग कर रहे हैं, ऐसे ही स्वान वगैरह तैर रहे हैं। बाहर टेम्परेचर 32-33 है, लेकिन अंदर यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे 24-25 है। ठंड है पूरा, क्योंकि पूरा पानी के पास बैठा हूँ और पूरा चारों ओर पेड़ वगैरह है, तो बहुत सही माहौल है। यहाँ से बोट रेंट करने का है, तो 5 बजे तक शायद ओपन रहता है इसका बोट रेंट। देखता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे प्राइस चार्ट है, यहाँ पे सारा बोट है। इस टाइप के बहुत सारे आपको घर मिलेंगे और उनके पीछे ऐसे बोट पार्किंग रहेगा, जो भी कायकिंग करने के लिए पार्किंग रहेगा। बहुत ही सुंदर है यार, मतलब यहाँ पे मैं एक एक जगह में आ रहा हूँ, आधा घंटा बैठ बैठ के जा रहा हूँ। मतलब मुझे कुछ करने को मन नहीं कर रहा, बैठो और नज़ारे का एंजॉय लो मतलब। तो अभी चलो घर चलते हैं। अभी हो गया मतलब एक दो घंटा तो नहीं, ऑलमोस्ट 3 घंटा हो गया आते हुए। घूम लिए थोड़ा वहाँ पे, पानी के पास चिल किए थोड़ा, उसके बाद अभी घर वापस जाते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे लोबिनो में है ऐसे ही है, स्प्री वर्ल्ड इस साइड भी है, लेकिन मेरे को लोबिनो थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा बोटिंग वोटिंग के लिए। तो फिर मिलते हैं और एक ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।